BHP ready to stop all those preachings and all? नहीं, हम जनता के शिक्षण और जागृति पर विश्वास करते हैं. जागरूक जनता सच कौन है उनका स्वीकार करेगी, और झूठ कौन है उसका अस्वीकार करेगी, और भारत की जनता की समझ अंडरस्टैंडिंग पर पूर्ण मुझे विश्वास है. ओके, इन दिस इश्यू इन लाइक दिस प्रीचिंग एंड ऑल, हाउ कैन यू मेक हिंदूस टू फाइट अगेंस्ट दीज थिंग्स एंड हाउ हाउ दे डोंट दे आर दे आर बिलीविंग ऑल दीज प्रीचर्स एंड ऑल्सो सो हाउ कैन हिंदुओं के अपने धर्म के बारे में श्रद्धा बहुत दृढ़ है. धर्म के बारे में श्रद्धा दृढ़ नहीं होती तो लाखों वर्ष पहले सीता का अपमान करने वाला रावण का पुतला दशहरा के दिन नहीं जलाते, हम होलिका का दहन नहीं करते. इसलिए हिंदुओं की धर्म की श्रद्धा दृढ़ है, इतिहास में श्रुति ताकत वाली है, और इनके कारण ही भारत में हिंदू बचा है, आगे भी बचा रहेगा, और हिंदू को अपनी परंपरा से कोई नहीं हटा सकता. ओके सर, आई वांट टू पुट वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस. अ टेंपल्स आर अंडर एंडोमेंट डिपार्टमेंट. एज अ रिजल्ट एवरी पूजा एंड प्रसाद आर सोल्ड हियर. डू यू फील दिस इज हेल्पफुल फॉर हिंदू धर्म? मेरा प्रश्न है, क्या किसी सरकार ने किसी मस्जिद पर कब्जा किया है, चर्च पर कब्जा किया है, तो मंदिरों पर कब्जा क्यों? और सरकार तो संविधान से अपने को सेक्युलर कहते हैं, और सेक्युलर का अर्थ है स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर, तो वह चर्च की रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करती है, वह मस्जिद में नहीं करती है, तो हमारी मंदिरों की रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करने का अधिकार यह सरकार को किसने दिया है? वी विल नॉट टॉलरेट इट, और देश के मंदिरों को सरकार के क्लची से मुक्त करना ही होगा. सो डू यू वांट टू रिफाइन द सिस्टम? सिस्टम रिफाइन करने की हिंदू समाज की खुद की अक्षमता है. हम रिफाइन कर लेंगे, उसके लिए मुझे वोटों के भिखमंगे राजनेता की कोई जरूरत नहीं. ओके, सो हाउ कैन यू फाइट अगेंस्ट दिस? जनजागरण, पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस विल डिसाइड इन डेमोक्रेसी. सो डू यू हैव एनी अल्टरनेटिव सिस्टम इन दिस प्लेस? है ही, पूरे देश में है. ओके, सरकार के कब्जे नहीं है. ओके, और जनता मंदिर अच्छी तरह मैनेज कर रही है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है. So just now you said the same thing like conversions. This is a serious issue which is Hindu Dharma is facing. Religious conversion is rampant in our main temples too, which is like one example I want to give you, which is in YouTube channel. YouTube, there is a video called one person is there in Tirumala and he shooted in that at that place itself, and then he said that please save these people, please save these pilgrims from this Hindu Dharma and this. He is calling that. These Hindu Dharma people are Saitans and all. Is it come to your notice? Everybody has a right to profess his own religion. Okay. And it should be fundamental right to profess my own religion and protect my religion. परंतु internationally, church के दबाव से right to convert को fundamental right बनाने का काम किया गया. Right to profess and defend your own religion should be fundamental right. इसलिए भारत में अनेक राज्यों ने धर्मांतर के विरुद्ध कानून बनाए हैं. वह कांग्रेस के शासन में बने हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल, तीन कांग्रेस रूल स्टेट ने बनाए हैं. हम चाहते हैं कि भारत सरकार कानून बनाए ताकि देश में धर्मांतर न हो, क्योंकि धर्मांतर एक दूसरे का करते हैं तो वायलेंस होता है, लीडिंग टू वायलेंस, और देश को वायलेंस से बचाना है तो धर्मांतर करने वालों से कानून से बचाना चाहिए. ओके, इन तिरुमला वन पर्सन इज कोटिंग दैट दिस पिलग्रिम्स आर सैतान्स पीपल. उनके विरुद्ध केस करना चाहिए. He should be legally prosecuted. Okay. For hurting the religious sentiment of the Hindus. Okay. Can you list out the religions like encouraging conversion aggressively? Islam और Christianity. Okay. दो religion, एक 14 शताब्दी से एक 2000 वर्षों से conversion कर रहे हैं, और उनके conversion के कारण ही विश्व में violence और war हुए हैं, और आज भी violence के पीछे conversion जिम्मेदार है. आपके मजहब को फॉलो करो, दूसरे के मजहब को फॉलो करने दो. दूसरे के मजहब फॉलो करने वालों को कन्वर्ट करने का ठेका आपको किसने दिया है? इट शुड स्टॉप लीगली एंड गवर्नमेंट शुड पास अ लॉ टू स्टॉप कन्वर्जन. ओके, सो हाउ टू डील विद दैट? हाउ टू डील विद एंड हाउ वीएचपी इज गोइंग टू वर्क ऑन विद हेल्प ऑफ द पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस वी विल सी दैट इंडियन पार्लियामेंट शुड पास अ लॉ अगेंस्ट कन्वर्जन. ओके.